मोहब्बत नाजरीन कहते हैं जात पात नहीं देखती, और जब ऐसे नहीं है, मोहब्बत जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखती है, मोहब्बत तो अंधी होती है रे, ये है डायलॉग असल में। तो बताइए फिर, जब इतना जबरदस्त डायलॉग आपने बोला है, तो मोहब्बत जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखती, मोहब्बत तो अंधी होती है रे, और मोहब्बत कौम कबीले भी नहीं देखती, ये बात साबित की है। सरगोधा के नौजवान है नवीद, और मेक्सिको की खातून है, उनका नाम है मारिया फर्नांडा मुनोज बरैंको। ये जो नाम है इन खातून का और नवीद भाई ने, इन दोनों की मोहब्बत 27 साल की है मारिया, और फेसबुक पर इनकी दोस्ती हुई, और फिर ये दोस्ती मोहब्बत पर मोहब्बत में तब्दील हो गई। हाँ। और फिर मारिया 32 घंटे का सफ़र तय करके सरगोधा पहुंची, वहां उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने नवीद से निकाह किया। इन्होंने कानून की तालीम हासिल की हुई है मारिया ने, और इनका जो इस्लामी नाम है वो रखा गया है मारिया फातिमा, और मारिया और नवीद दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह से आगे में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपको, तो अस्सलाम वालेकुम, होला टू यू, होला टू यू, एंड हाउ आर यू की जगह जो है ना अंग्रेजी की स्पेनिश जो है वो है कोमो एस्टेस, हाउ आर यू? Fine, thank you. Good. देखा मैंने ये like Pakistan? Do you like him? I like. अब तो शादी कर ली, अब do you like him का क्या? देखिए तस्दीक करानी होती है, बार बार कहेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, अच्छा लगेगा ना? भाई ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ बताइए? ये सर फेसबुक पे स्टार्ट हुआ हमारा। हाँ। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मैंने इनको सेंड की। क्यों, कैसे, क्या क्या देख कर रिक्वेस्ट सेंड की? बस ऐसे ही मैं फ्रेंड सर्च कर रहा था तो इनके सामने पिक आई, तो दिल को अच्छी लगी। वाह वाह वाह, कैसी तस्वीर थी इनकी जो दिल को अच्छी लग गई, जरा हमें भी समझाओ ना, हम भी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। बहुत इनोसेंट हैं। हाँ। बहुत अच्छी थी, मुझे बस फर्स्ट टाइम ये अच्छी लग गई। वैसे वाकई इनोसेंस का इनकी आप दाद दें कि वो 32 घंटे का सफर तय करके बगैर कोई तस्दीक किए कुछ जाने बूझे आ गई पाकिस्तान। आगे बात कैसे बढ़ी? उसके बाद इन्होंने 2-3 दिन बाद मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। ओके। उसके बाद फिर मैंने इनको एसएमएस किया इंग्लिश में, हाय। ओके। फिर एसएमएस किए, नो रिप्लाई। ओके। क्या ठीक है, मसरूफ होंगे ना? हाँ, मसरूफ। व्हाई डिड यू एक्सेप्ट हिज फ्रेंड रिक्वेस्ट, व्हाट डिड यू सी? बताएं आप, डू यू नो इंग्लिश प्रॉपर्ली? यस। ओके गुड, सो व्हाट वाज the best thing that you liked about his profile? Did you like something about him? Yes, it's your personality, the man, Pakistan, is very different. Yeah. Very different. Mexico. I like, for example, I like your outfit. Okay. It's just your shalwar kameez. Shalwar kameez, I like it. Only in video call. Always. No, use shalwar kameez, please. This is different. I'm in Mexico. I like. Other, this is in video call, I have many questions. Your religion, for me or for my country, is very different. Yes. It's amazing. I am search in internet, teacher, your religion, customer and your food only. Food. Yes, it says Simsim. ठीक है भाई, तो लुबे लुबाब ये हुआ, इस सारी बात का लुबे लुबाब ये हुआ। नाज़रीन को बता देते हैं कि पाकिस्तानी मर्द की पर्सनालिटी भाग गई और शलवार कमीज भी हमारा फिर भाग गया उनको। आप बताएं कि जब बातचीत शुरू हुई, ठीक है, वो कब रिप्लाई उनकी तरफ से आपको आया और फिर बात आगे कैसे बढ़ी? इन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे रिप्लाई किया और इनका जवाब यही था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अच्छा। तो इन्होंने तो अपनी स्पेनिश में मुझे लिख के भेजा, फिर मैंने ट्रांसलेटर यूज किया, गूगल ट्रांसलेट। वाह वाह, गूगल का कमाल है ये। थैंक यू सो मच गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट यूज करके फिर मैंने इनको बोला कि कोई मसला नहीं, आप मुझसे सिर्फ बात तो करें, एक दफ़ा एक दूसरे को जान पहचान तो करें ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमने गूगल ट्रांसलेट आपने भी ठाल ली थी बात तो करे ना, इरादे थे सारे। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो गई, तो मैंने इनको बोला क्या क्या, और ये सारा मामला गूगल ट्रांसलेट पे चल रहा, ट्रांसलेट पे चल रहा था। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए इंग्लिश सीखना, कुछ इंग्लिश सीखना स्टार्ट करती हूँ। तो इन्होंने 2 मंथ की क्लासेस ली फिर वहाँ पे मेक्सिको में। वेरी गुड, मेरे लिए
आपने मेक्सिकन की क्लासेस नहीं ली? नहीं, मैंने नहीं ली। ये तो बहुत गलत बात। क्या बात हुई है? स्पेनिश ही लें आप क्लासेस। इन्होंने कहा कि नहीं, कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए ना। हाँ, क्यों नहीं सीखनी है, क्यों नहीं, सब कुछ करना है। आई लव यू तो कहना आता होगा ना इनकी ज़बान में। तियामो। कैन यू से दिस इन उर्दू? बाकी मैं प्यार करता हूँ। करता नहीं हूँ, करती हूँ। करती हूँ, क्या बात है। मैं तुमसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये तो जब इसको मैंने शादी का प्रपोज किया, मैंने कहा क्या हम शादी कर सकते हैं, तो इनका जो रिप्लाई था, उनका कि मैं आप ऐसा करें, मेरे अम्मी अबू से बात करें। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन शर्त ये थी कि आप स्पेनिश में मेरी अम्मी अबू से बात करें। तो बहुत टफ था स्पेनिश बोलना, बहुत ज़्यादा टफ था। तो इन्होंने फिर मुझे वो सिखाए वर्ड्स। अच्छा, कहते हैं तो केरेस का सर तो कोनमिगो, तो केरेस का सर को तो मिगो, तो केरेस का सर तो कोनमिगो, तो केरेस का सर तो कोमिगो। बस अब मैं जाकर रिश्ता मांग सकता हूँ कहीं पर भी इस लैंग्वेज में। फेसबुक कितना इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करें। इनके वाले साहब ने फिर यही बोला कि ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो हमें कोई मसला नहीं। अच्छा, कोई जात पात ट्राइब का कोई मामला नहीं, कुछ भी ठीक है। योर फैमिली एग्रीड इजीली? माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, फर्नांडा यू क्रेजी, इट इज वेरी लॉन्गर डिस्टेंस, इट इज योर very different, your costume, your relation, and no understand, you know language, you Urdu, Punjabi, you small speak English. I like, yes, I like it. I am my teacher, your personality, the Pakistan, I am teacher in search video, the Pakistan, it's amazing. ओके, सो यू कन्विंस्ड एवरीवन, गुड। अच्छा, एक और हम खबर दे देते हैं, फिर जरा इनसे पूछते हैं कि आपके वालिदैन का क्या रिस्पांस था, आपके दोस्तों का क्या रिस्पांस था, ये अभी मैं आपसे पूछता हूँ। पहले जरा हमें एक अपडेट दे दे भाई, कोरोना वायरस की क्या अपडेट चल रही है? कोरोना वायरस की अपडेट ये है कि चीन में जो है फजाई आलूदगी में कमी वाकई हुई है, और ये सैटेलाइट की जो तस्वीरें हासिल हुई हैं चीन में, उधर से ये पता चला है कि कोरोना वायरस फूटने के बाद सनतें और जो सफरी सहूलियात हैं वो बंद हो गईं, फ्लाइट्स मुअत्तल हो गईं, सारा उनका जो निज़ाम था वो काफी फैक्ट्रीज वगैरह बिल्कुल फैक्ट्रीज बंद हो गईं, सनतें बंद हो गईं, रोड्स यानी कि ट्रैफिक का जो की जो रवानी थी वो बड़ी मुतासर हुई, तो हर चीज़ उन्होंने क्लोज डाउन कर दी लिटरली। तो अमरीकी जो खलाई है इदारा नासा का, नासा अमरीकी खलाई इदारा नासा का, मेरी उनको मैक्सिकन सोच रही थी, हम गए थे एक जगह मेक्सिको में, मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में आपको। मेक्सिको भी गए, सब जगह गई। तो नासा का कहना यह है कि तब्दीली जो है कोरोना वायरस की वजह से आई है ये, और ये जो फैलने वाली आलूदगी थी उसको रोकने की कोशिशों का सिलसिला जो है ये मुआशी सरगर्मियों की वजह से, जब ये मुआशी सरगर्मियाँ मुअत्तल हुई तो उसकी वजह से जो है ये आलूदगी में कमी वाकई हुई। और नासा की जो जारी करदा नक्शे हैं उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना वायरस फैलने के बाद गाड़ियों की, बिजली घरों का, और जो कारखानों से खारिज होने वाली मुख्तलिफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस थी उनकी सतह में जो है पहले के मुकाबले में बड़ा वाजे कमी हुई है बिल्कुल। और इसी तरह साइंसदानों के मुताबिक ये भी कहा गया कि फरवरी के वस्त तक कोरोना वायरस जब उस वक्त शुरू हुआ था, जब सामने आई थी ये वबा, जब फैलने लगी थी कोरोना वायरस की वबा, तो चीन में नुकसानदेह जो है वो ग्रीन हाउस को नुकसान पहुंचा था, ग्रीन हाउस गैसेस जो थी उनकी मकदार में बड़ा ही आपको खतरनाक फिनोमेना है ये ग्रीन हाउस, बड़ी खतरनाक फिनोमेना है। तो उसमें भी कमी आई। हाँ, और फिर एक चौथाई जो है उसमें कमी आई है ग्रीन हाउस गैसेस में बेसिकली। चलिए, ये तो अच्छी बात है, मतलब एक तरह से दुनिया जो है वो इससे परेशान तो है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस कम हो रही है कुछ पॉजिटिव भी है। हर परेशानी के अंदर एक आसानी और एक अच्छी चीज नजर आ जाती है, देखने वाली आंख चाहिए होती है। ये नासा वालों की आंख ने देख ली, नासा वालों की। अब आपके वालिदैन की आंख ने क्या देखा, जरा ये बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने वालिदैन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, खासतौर पे मेरे अब्बू जो हैं। इनके साथ सास कैसी हैं, फ्रेंडली हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत तो बातचीत समझ में नहीं आती होगी, जिंदगी अच्छी गुजरनी है, खुशहाल गुजरेगी, इनको तो समझ नहीं आनी ना उनको समझ आनी है, तो आपस में अगर लड़ेंगी भी ना तो पता चलेगा कि उर्दू काफी बोल लेती हैं मेरी अम्मी के साथ। हमारे साथ भी उर्दू बोलवाएं, कल किचन में बहुत सारा काम भी करवाया है। ये तो वैसे काम भी शुरू कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादा इससे। कितना अर्सा हुआ शादी को आपकी? 26 को हमारी शादी हुई, 26 फरवरी को। और ये तो अभी मतलब एक हफ्ता हुआ है, तो मेहंदी, हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा आपने, यू हैव स्टार्टेड वर्क, काम करना शुरू कर दिया। उर्दू में आप बात करें हम आपसे? डिफिकल्ट, मेनी मेनी पोकीटो, हां स्मॉल
टोल्किन उर्दू छोटी छोटी बात उर्दू में कर सकती नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ओनली अजान आई एम टीच अंडरस्टैंड अजान ठीक है अजान समझती हैं वेरी गुड ओके तो हां भाई तो आपके वालिदैन ने क्या कहा फिर मेरे अब्बू से मैंने बात की फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने अब्बू से बात की कि अब्बू ये मसला है मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ वो अमेरिका में रहती हैं अमेरिका की स्टेट है मैक्सिको वहाँ की हैं तो अब्बू कहते हैं कोई मसला नहीं अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ तो अब्बू मेरे ने कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा करें अपनी अम्मी से पहले बात करें अगर आपकी अम्मी राजी होती हैं तो मुझे कोई मसला नहीं अच्छा अब्बू तो अम्मी पे डाल देते हैं ना अब्बू ने अम्मी पे डाल दी तो अब मैंने कहा डरते होंगे आप ऐसा करें आप अम्मी से बात खुद करें मैं नहीं करता तो अब्बू ने बात की अम्मी अब्बू कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं अगर आप दोनों खुश हैं एक दूसरे को समझ सकते हैं लाइफ गुजार सकते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या अल्लाह ऐसे अम्मी अब्बू सबको दे जो कि बिल्कुल इतने आसानी से राजी हो जाए मोहब्बत की शादी के लिए आमीन ये कहना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में छान लूं मेरे जैसे अम्मी अबू किसी के नहीं होंगे बिल्कुल सही है बिल्कुल हर एक के लिए ऐसा ही है बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल बहुत ज्यादा मुझे हर काम में सपोर्ट करते हैं आपके भाई बहन कितने मैं सर एक इकलौता बेटा हूं क्या बात है तो फिर भी मम्मी अब्बू सपोर्टिव ना हो तो और क्या करेंगे वो बेचारे मतलब एक ही दाना है मैं इकलौता उनका बेटा हूं तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है जब मेरे अब्बू मुझे कहते हैं कि अब तू टेंशन ना ले यार मैं हूँ ना क्या बात गुड जबरदस्त मैं हूँ ना तेरे लिए यानी ये दोस्ती है अभी अब फ्रेंडशिप है अपने पेरेंट्स के साथ तो आपके दोस्तों ने कैसे ट्रीट किया इनको मुलाकात हो गई आपकी आपके दोस्तों से हाँ कुछ फ्रेंड्स हैं भाभी को क्या उन्होंने तोहफे बहुत अच्छा फील एक मेरे दोस्त हैं इखलाक अहमद उनका नाम है वो हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं एक बिलाल भाई हैं मेरे वही फेसबुक पे आइडिया वही दे रहे थे ये जो इस तरह करने का हाँ नहीं ज्यादा जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे वो बिलाल भाई थे अच्छा अच्छा वो बता रहे थे वो बता हाँ ऐसा बात करो ये करो वो करो अब प्रपोज कर दे देर ना कर दे अब कर दे यार वाह गुड अच्छा ये बताएं फिर इनके वहां से पाकिस्तान आने का जो सारा सिलसिला हुआ वो कैसे हुआ वीजा आसानी से मिल गया फिर जब ये वापस आई आप गए हुए थे एयरपोर्ट कौन लेने गया था पूरी फैमिली मेरे गए थे अच्छा पूरी फैमिली मेरे दोस्त मेरे मामू नानो सब गए थे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया इनका वहाँ पे इनकी विश थी कि जब एयरपोर्ट पे आप पहुंचे तो आपने मुझे रिंग पहनानी है एयरपोर्ट मंगनी उधर ही एयरपोर्ट हाँ उधर ही करनी है हर काम ही निराला है भाई एयरपोर्ट पे मंगनी है रिंग पहनाई वहाँ पे लेकिन एक मिस्टेक होगी कि रिंग लूज थी चलो चलो कोई बात नहीं धागा बांध लेना उस पे खिला खिला के बहुत मोटी कर देना रिंग पूरी आ जाएगी बहुत अच्छा फील हो बहुत खुश हुई लेकिन आपने इनसे बाद में पूछा कुछ गूगल ट्रांसलेट के जरिए अब कैसे वैसे डिस्कशंस होती हैं आप लोगों की बातचीत बस अब हम कह लें लव लैंग्वेज कह लें चले आंखों के इशारे समझ लेते हैं अच्छा ये बताएं कि इनसे आपने ये बात की कि अगर इनको ये डर था कि अगर एयरपोर्ट पे कोई लेने ना आए कोई फ्रॉड किस्म का मामला हो कोई बंदा ही ना नजर आए आगे मैं जा तो रही हूँ इनसे इनसे पूछते हैं ना डिड यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड इफ इफ ही डिडंट कम एट द एयरपोर्ट वर यू स्केर्ड इन एयरपोर्ट ऑन द एयरपोर्ट ओके Es fue difícil arribar en yes, Pakistán. Yes. I know meet I am many Muslims y yo oh my God I am questioning no understand me no only Urdu y I like search your family y sim your closest sim. I am your father. So did Same you come me. Alone or did With anyone your from your family come to Pakistan? You came alone? Yes. Alone? No one from Alone. No, alone. Alone. Okay. Oh. Yes, it's difficult. This is two days, the Mexico, Pakistan. 2 days, yes. And three, Mexico, Barcelona, Barcelona, Dubai, uh-huh. Dubai, Islamabad. Ah. 32 or for love you can travel any distance it is all about love yes yes so acha aapko ye dar laga ke jisse aapki baat ho rahi hai profile wagaira ye to badi nazar aa rahi hai achhi pyari cute si hai jab airport koi pahunche to wo koi ajeeb si khatoon ho koi bahut badi umar ki ho ya bahut hi matlab wo khauf dar tha pehle din se kabul kar liya tha unka ab jo bhi hai bas meri hai jaisa hai ab meri par kabul hai अब ये मेरी है अब मैं इसे नहीं जाने देता वापस वाह गुड जबरदस्त अच्छा फिर वो इस्लाम कबूल करने वाला सारा जो एपिसोड हुआ वो कैसे हुआ कब हुआ वो ऐसे हुआ कि जब हम वीडियो कॉल पे बात करते थे ना तो सुबह के वक्त तो नहीं होती थी असर और मगरब के टाइम हमारी होती थी तो असर के टाइम मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता था अजान होती थी तो
तो ये मुझसे एक सवाल करती थी कि ये क्या हो, क्या आवाज़ आ रही है। तो मैं उसको फिर बोलता था कि ये मतलब कि हमारे इबादत है, तो हमें ना अल्लाह बुला रहा है कि आ जाए नमाज की तरफ। तो कहती है ठीक है आप जाए नमाज पढ़ाएं। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता फिर इसने ना दिल इंटरेस्टिंग इसने लेना शुरू कर दिया कि ठीक है आप मुझे ना अजान सेंड करें। फिर मैंने इनको अजान की वीडियो सेंड की, तो कहती है मैंने मस्जिद जाना है, मैं भी जाना चाहती हूँ मस्जिद। मैंने कहा ठीक है आप देख लें। फिर मैंने अपनी एक वीडियो बनाई मस्जिद में जा के नमाज की, वो इसे सेंड की। इसके भी मोबाइल में होगी भी मे भी, तो बार बार देख के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाए कि फ्यूचर हस्बैंड मेरा जो है वो नमाज पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो फिर तिलावत कुरान पाक की काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ना इनको सेंड की, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इन्होंने इस्लाम में। फिर आती कलमा तो मैंने पहले ही वीडियो कॉल पर पढ़ा दिया था इनको। अच्छा, तो फिर जब पाकिस्तान पहुँची तो फिर इनको बाकायदा मदरसे में लेके गए, वहाँ पे इनका सर्टिफिकेट बनवाया, इस्लाम कबूल करवाया। फिर उसके बाद सुन्नत के मुताबिक हमने निकाह किया है। निकाह करने के बाद तोहफा क्या दिया आपने इनको, मुंह दिखाई का? अभी तक कुछ आपके लिए तो बहुत दूर से गिफ्ट दिखाई। नो गिफ्ट, ही इज गिवन, ही इज नॉट गिवन यू एनी गिफ्ट, एनी गिफ्ट्स, नो गिफ्ट। जेस जुर्फा मिली, ड्रेसेस, दे पीपल इन पाकिस्तान इज वेरी वेरी वार्म, यस, comfortable, your family, your neighbor. Good. So what did you like about Islam? The Islam? I like prayer. No prayer, I no necessary, I need. My religion I like for example in Mexico I like listen Adhan. Before sleeping, I am relaxed. For me. Mexico में सोने से पहले अजान सुन के सोती थी। So you have started to pray? You go for namaz? Yes. Very good. It's great. I like other pues tienen other thing other thing men taker. Many take care a woman. Okay. मर्द हजरात, ये तो बड़ी मुश्किल स्टेटमेंट है, मार्च के महीने में ये स्टेटमेंट देती है, मर्द हजरात जो है खातिन का ख्याल रखते हैं। So have you started reading the Quran? Teach? Yes. Yes. I search video in internet. I am teach Quran. Cada your prayer fire Isha Dhuhr Maghrib. Very good, very yes, good. Yes, how much time prayer is so mezquita. Great. The meet look mezquita is amazing. It is amazing. Good. Like your clothes, the woman, your dress, your only is Dayana. Use Dayana. Only eyes. I like. good, very good. It is so good to hear you. और भाई आपका भी भाई वाकई मतलब ये है इकबाल के शाहिर। हाँ ये है इकबाल के शाहिर। ये है इकबाल के शाहिर। कमाल तो इनका है ना, डटे रहे कि छोड़ेंगे नहीं जब तक हाँ नहीं होगी। बिल्कुल। और आपने जो काम किया है, इन्हें पाकिस्तान बुलाया, फिर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप कब जा रहे हैं मेक्सिको? हाँ, सबसे बड़ी खुशी मुझे इसी बात की है कि मेरी वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ। बिल्कुल। आप जा रहे हैं अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए? हाँ, ये तो अब कहती है कि अब जाना पाकिस्तान से तब है जब तुझे साथ लेके। हाँ सही बात है, ऐसे ही बिल्कुल। तो आपको प्लान करना चाहिए। हाँ, आप प्लान करें, जाएंगे इनके साथ, और वहाँ से आप फिर उनके भाई की फ्रेंड्स सब बहुत ज्यादा, वो भी तो आपका इंतजार कर रहे होंगे ना मुलाकात करने का। हाँ, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग एंड मे यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, वो जो कहते हैं ना, आपकी जिंदगी हमेशा इसी तरीके से अच्छी गुजरे, खुश रहे आप लोग, हंसी खुशी रहने लगे। हंसी खुशी रहने लगे, बिल्कुल, हंसी खुशी जिस तरह रह रहे हैं आगे भी हंसी खुशी रहेंगे जी। अच्छा, हंसी खुशी रहने के लिए, इस कहानी को सुनकर ये साबित हुआ कि हंसी खुशी रहने के लिए कोई बहुत ज्यादा दौलत की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा दौलत की जरूरत नहीं होती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सपोर्टिव पेरेंट्स की जरूर जरूरत होती है। बिल्कुल, वो मोहब्बत की बात है ना, मोहब्बत हो तो आप फिर मोहब्बत पाते हैं आलम, इसीलिए तो कहते हैं मोहब्बत दुनिया फतह कर लेती है।